नमस्ते बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। ये जो भी वनस्पति सजीव या प्राणी सजीव अपनी वृद्धि या वंश वृद्धि संतति का निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले वनस्पतिक प्रजनन। वनस्पतिक प्रजनन क्या होता है? वनस्पति के वनस्पतिक अंग मूल और पत्तों के पुरानों भागों द्वारा नई संतति का निर्माण होने को आलिंगी प्रजनन को वनस्पतिक प्रजनन या वृद्धि प्रजनन कहते हैं। फिर हमेशा जो आलिंगी प्रजनन है वो वनस्पतियों में पाया जाता है, तो वनस्पति प्रजनन की आलिंगी पद्धति सिर्फ वनस्पति में ही देखने को मिलती है। इसमें कोई प्रजनन अंग पुष्प की आवश्यकता नहीं होती। वनस्पति के परिपक्व भागों में विकास होने वाली सुषुप्त स्थिति की कलिकाएं प्राकृतिक रूप से वनस्पति प्रजनन करती हैं। जब सुषुप्त स्थिति की कलिकाएं प्राकृतिक रूप से वनस्पतिक प्रजनन करती है, यह सुषुप्त कलिकाएं को जब उचित नमी अनुकूल तापमान प्राप्त होता है तो यह अपना अंकुरण करके नए पौधे का निर्माण करती हैं। वनस्पतिक प्रजनन के उदाहरण, सबसे पहले पर्णफुटी। पर्णफुटी अपना प्रजनन कैसे करते हैं? पर्णफुटी के तने और पत्ते में कलिका का निर्माण होता है। जब यह कलिकाएँ गिर जाती हैं तो अनुकूल परिस्थिति पर आने पर यह क्या करती है, जमीन से अंकुरित होती हैं और पर्णफुटी के नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है आलू का कंद। यह आलू के छोटे छोटे जो कंद निकलते हैं उनके द्वारा आलू का निर्माण। तो आलू के कंद की सतह में अनेक संख्या में कलिकाएं होती हैं जो इनके वनस्पतिक प्रजनन अंग की तरह कार्य करती हैं। और आलू के कंद को यदि जमीन में बोया जाता है तो उसके बाद कलिकाएँ वृद्धि करके नया पौधा बनाती हैं।